भ्रष्टाचारी सेमो, सेमो साहब ने भी उनको 70 लाख रुपए संयुक्त जिला चिकित्सालय जहाँ पे वो बाबू हैं, सस्पेंड बाबू हैं जहाँ के, 70 लाख रुपए पुताई का काम उन्होंने चालू कर दिया है। आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, पुताई का काम चल रहा है। उसका ठेका आरपी कंस्ट्रक्शन को है, जो कि राजेंद्र प्रसाद अजय श्रीवास्तव जी के पिताजी हैं। दूसरा, अभी सेमो ने उनको काम दिया 55 लाख रुपए का हिंदुस्तान ड्रग्स, जो उनकी पत्नी उसकी मालिक श्रीमती सविता श्रीवास्तव उनकी मालिक, उन्होंने जो है वो कार्रवाई उनको काम दे दिया कि आप काम कीजिए, उनके कृपा पात्र हैं। अजय श्रीवास्तव के खिलाफ कोई भी बाबू यहाँ या कोई भी कर्मचारी बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग पूरा वो ही चला रहे हैं। वो कहते हैं मैं चाहूँगा जिसका ट्रांसफ़र कराऊँगा, मैं चाहूँगा जिसकी पोस्टिंग कराऊँगा, मैं चाहूँगा वही सीएमओ बन के आएगा, मैं चाहूँगा वही सीएमएस बन के आएगा। टेंडर में किसी परिवार का नाम नहीं लिखा रहता, ये किसके परिवार का, नंबर एक। नंबर दो, ये टेंडर ई टेंडर ही था, मार्च में लिया गया था, बिल्डिंग मेंटेनेंस और पुताई के नाम पे। तो इसका टेंडर पास हुआ था मार्च अप्रैल में, तो चूंकि टेंडर जो जिसका है उससे हमें काम कराना है, मुख्यमंत्री का आगमन होना है, यहाँ पे केजीएमसी का सेटेलाइट सेंटर बनना है, तो हमें उस अस्पताल की तैयारी करनी है। तो उसके तहत तो जो पुताई या माइनर मेंटेनेंस कराना था वो मैंने उसको उस टेंडर, पुराने टेंडर के आधार में मैंने आदेश दिया। सर, जो दो संस्थाओं को दिया गया है टेंडर, क्या आपको जानकारी है कि वो ब्लैक लिस्ट की सूची में नहीं है? हाँ, हमें तो कोई जानकारी नहीं कि वो ब्लैक लिस्टेड है। ठीक है, एक ये तबादले का मामला था, रूपाली पांडे डेंटल हाइजीनिस्ट, इनका आरोप लगाया गया है कि सेमो ने इसको जो है पावर ना होने के बावजूद भी ट्रांसफर कर दिया है गलत तरीके से। अगर इसके लिए इसने एप्लीकेशन दी थी और इन्हीं नेताओं द्वारा जो प्रदर्शन कर रहे हैं इन्हीं के सिफारिश पे, और चूंकि उस खुद विकलांग है, तो इन सारे मुद्दों को ध्यान रखते हुए उसके अनुरोध पे मैंने मेमोरियल से कम्बाइंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया था। वो नेता किस पार्टी के हैं सर? वो बीजेपी से संबंधित अपने को बताते हैं।